वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग आ गए हैं एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए मैं आज आप लोगों को लेके चलता हूँ चमन चाट भंडार, और चमन चाट भंडार पर जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ वहाँ की फेमस है, और आप लोगों को दिखाते हैं प्रियंका चोपड़ा वहाँ पर क्या खाना पसंद करती हैं, और वहाँ के ओनर से भी बात करेंगे। तो चलिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि लास्ट में आप लोग भूल जाते हो। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं चमन चाट पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चमन चाट भंडार पर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रियंका चोपड़ा का फेवरेट काउंटर है चाट का, जहाँ से वो चाट खाना पसंद करती हैं। और यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा बैनर भी लगा रखा है, लिखा हुआ है प्रियंका चोपड़ा की मनपसंद चाट और बरेली की फेमस चाट है ये। तो यहाँ फोटो लगा हुआ है प्रियंका चोपड़ा का, एकदम एक्सक्लूसिव। और सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये पेपर में भी निकल चुका है कि प्रियंका चोपड़ा का फेमस चाट कॉर्नर यही है। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं इन्होंने कटिंग लगा रखी है, इसको एक्सटेंड करके ग्लो बोर्ड में लगाया हुआ है, जिससे कि सब लोग देख सकें कि ये कोई फेक चीज़ नहीं है दोस्तों, एकदम रियल है। प्रियंका चोपड़ा यही चाट खाना पसंद करती हैं। तो अभी आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी टिक्की सिक रही हैं, भाई क्या ही बोलूँ, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और हालांकि ये थोड़ा सा अनहेल्दी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब प्रियंका चोपड़ा खा सकती है तो हम क्यों नहीं खा सकते। देखो दोस्तों, कभी कभी खाना कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करो, रेगुलर खा रहे हो, तो ये सेहत के लिए हानिकारक है। फिलहाल ज्ञान ना देते हुए आप लोगों को एड्रेस बता दूँ, ये जो पड़ता है काउंटर जो है ये सिविल लाइन्स में है, और होटल ओबेरॉय आनंद के बिल्कुल पास है, तो आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो, मेन रोड पर ही है। फिलहाल दोस्तों अब रुका नहीं जा रहा है, भैया को बोलते हैं भैया एक टिक्की हमारे लिए भी लगा दीजिए, और चटनी जो है वो खट्टी मीठी दोनों करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों टिक्की अपनी लग रही है, खाते हैं और फिर देखते हैं। तो भाई ये आ गई अपनी टिक्की, और इसको खाते हैं, साथ में लगवा लेते हैं एक प्लेट सूजी के बताशे। जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं ये मीठी सोठ और दही वाले जो बताशे हैं, बहुत यम्मी लगते हैं यार, कभी खा के देखना, मुंह में जाते ही एकदम घुल जाते हैं। और फिर वो चमन चाट भंडार के हों तो बिल्कुल ही अमेजिंग बात हो जाती है। मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप लाइव इसको आके खा सकते हो, क्योंकि ये लाइव काउंटर है। पिछली बार भी मैंने आपको चाट बाज़ार का लाइव काउंटर दिखाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए। फिलहाल ये आ गए बताशे, इसको एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि न्यूज़पेपर में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं प्रियंका चोपड़ा ने, कि उनको यहाँ की चाट पसंद है, बरेली से कितना उनका लगाव है, जलेबी, चमन की चाट, यहाँ पर सब वो ट्राई कर चुकी हैं, रेट लिस्ट इस समय आपके सामने है। तो प्रियंका चोपड़ा ने ट्राई करा है, वो आती हैं, किस तरीके से उन्होंने इनको अप्रोच करा, ये सारी बातें आइए अपने जो इनके ओनर हैं चमन चाट भंडार के, उनसे बात करते हैं। चमन चाट को चालू हुए 50 साल लगभग हो गए हैं। पहले फादर ही इसको संभालते थे, फादर ही काम करते थे, मैं पढ़ाई वगैरह करता था। फादर की डेथ होने के बाद उसके बाद इस कारोबार को सब मैंने ही संभाला। प्रियंका चोपड़ा बरेली की रहने वाली है। हाँ जी। वो मार्केट हर हफ्ता 10 दिन में आती थी, घूमने फिरने आती थी, लेकिन हमारी चाट जरूर खाती थी। चाट खा के ही वो जाती थी, उनको चाट हमारी बहुत बेहद पसंद थी। यहाँ पापड़ी चाट है, आलू की टिक्की है, बर्गर है, दही गुजिया है, और वेज चाउमीन है, भल्ला पापड़ी है, टिक्की पापड़ी है, सूजी के बताशे हैं, पानी वाले और आटे वाले बताशे भी हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ बनती हैं। सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप आलू की टिक्की खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे आलू की टिक्की बेहद पसंद करते हैं लोग। मेरे फादर जो हैं मसाले वगैरह बनाते थे, उन्हीं से मैंने सीखा। हम अपने कुटे हुए मसाले
अपने वही कुटे हुए मसाले जो हैं वही हम यूज करते हैं, बाहर के बाजारी मसाले कोई यूज नहीं करते हैं। ये हमारा यूनिक जैसे है। अच्छा। हम ये किसी को देते भी नहीं, ना किसी को बताते हैं कि मसाले किस तरीके से बनते हैं। फादर के पास मसाले मैं ही बनाता हूँ बस। प्रियंका जी ने हमारे काफी ऐड करे हैं और उन्होंने ये भी कहा है, पीछे बरेली आने वाली थी, उन्होंने ये शब्द अपने मुंह से कहा है कि मैं जब भी बरेली आऊंगी उनकी चाट जरूर खा के जाऊंगी, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं सकी, लेकिन वो जब भी आएंगी वो हमारी चाट जरूर खाएंगी, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ के ओनर जो जितेंद्र भैया हैं, उन्होंने जैसा आप लोगों को बताया आपके सामने कि प्रियंका चोपड़ा ने प्रॉमिस करा है वो जब भी आएंगी तो यहाँ पर चाट जरूर खाएंगी। फिलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया है एक बर्गर ट्राई करने का, तो भैया से हमने बर्गर बनवा लिया है। बर्गर में ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने दो चटनियाँ लगाई हैं, उसके ऊपर कैबेज रख दिया है और ये डाल दिए हैं नूडल्स, और उसके ऊपर रख दिया है प्याज, टमाटर आ गया, खीरा आ गया, और ये आ गई आलू की टिक्की, और उसके ऊपर मेयोनीज, और ये आ गया मसाला। तो काफ़ी हैवीली लोडेड जो है ये बर्गर यहाँ पर मिलता है। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप आकर ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट अच्छा है, प्राइस इज ऑल्सो अफोर्डेबल, हाइजीनिक है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आइए ट्राई करिए। और ये व्लॉग मैं आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से व्लॉग में। टिल देन योगेंद्र गौतम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।